की भी मांग होगी। लेकिन अब बात दिल्ली में इजराइल दूतावास के बाहर हुए बड़े धमाके की। राजधानी दिल्ली में एक दिन पहले इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके पर इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। धमाके से जुड़ा एक लेटर मिलने के बाद अब दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है, क्योंकि चिट्ठी में ईरान के कुछ नेताओं के नाम का भी जिक्र होने की खबर आई है। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भारत में विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखने वाली संस्था FRRO के पिछले कुछ दिनों में भारत आए ईरान के तमाम नागरिकों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही साथ पिछले काफी वक्त से भारत में रह रहे ईरान के नागरिकों की भी लिस्ट मांगी गई है और दिल्ली के आसपास उनके मूवमेंट की पूरी जानकारी अब तलब की गई है। ऐसे में जबकि उस लेटर में ईरान के कुछ नामों का जिक्र किया गया था, अब जानकारी मांगी गई है FRRO से, जहां पर कि विदेश से आने वाले लोगों का नाम पंजीकृत होता है, रजिस्टर्ड होता है। अब यह लिस्ट मांगी गई है कि पिछले दिनों ईरान से कितने लोग आए थे, खासतौर पर इस दिल्ली के इलाके में कितने ईरानियों के मूवमेंट हुई थी, ये पूरी जानकारी भी अब तलाशी जा रही है, क्योंकि जो सबूत मिले हैं उसमें कुछ और संकेत भी दिए हैं।